लेक्चर में हमने आपको चक्रवृद्धि का ब्याज का सवाल किस तरह से हल किया जाना है और उसको हमने हल करके बताया था। अब आपको आया या नहीं आया ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें से कुछ बच्चों ने केवल हमसे 14वां और 15वां सवाल ही पूछा था, तो 14वां सवाल हमने लगा करके टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। तो अगर वो समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो आप लोग फिर से हमसे पूछ सकते हैं। तो जो डाउट सेशन आपका चलता है उसमें हम आपको फिर से उसको हम बता देंगे, ठीक है। अभी 11 अभ्यास 11A में आपको कौन से और सवाल नहीं आए वो भी आप पूछ सकते हैं। हमें 10 11A का 10वां सवाल जो है हमें लगा आपको नहीं आएगा, इसलिए हम 10वां सवाल आपको बता रहे हैं। आपका सवाल है किस ब्याज की दर हमको नहीं पता है, आर हमको निकालना है। किस ब्याज की दर से 4000 रुपये पर, 4000 रुपये, तो 4000 क्या है आपका पी, सवाल पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। 4000 रुपये पर 9 माह में एन बराबर क्या है आपका, 9 माह है में 630 रुपये 50 पैसे चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। चक्रवृद्धि ब्याज है आपका 630 रुपये 50 पैसे प्राप्त होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही, ब्याज तिमाही संयोजित हो रहा है। तो आपका अब चूंकि एन आपका 9 माह है तो इसको तिमाही में बदल दीजिए तो कुल कितनी तिमाही हो जाएगी, 3। भाई तिमाही का मतलब 3 महीना, 3 3 महीना करके चलेंगे तो आपका 3 तिमाही ये हो जाएगा। अब ब्याज दर आपको निकालनी ही है। अब ये आपका मूलधन दिया है, ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। आपका सूत्र होता है ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस R/100 की पावर n। अब हमने आपको बताया था कि इन चार चीजों में से कोई एक, तीन चीज दी रहेगी एक चीज नहीं दी रहेगी, तो आप सवाल को हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर पी दिया है, आर आपको निकालना है, एन दिया, ए नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, इसका मतलब कुछ तात्पर्य है इसका। ए बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है आपका, मूलधन प्लस ब्याज होता है आपका। तो मूलधन आपका कितना दिया है 4000, और ये चक्रवृद्धि ब्याज आपका दिया है 630 रुपये 50 पैसे। तो ये आपका हो गया 4630 रुपये 50 पैसे मिश्र धन आपका इतना हो गया, यानी ये क्या हो गया आपका ए, यही को तो मिश्र धन कहते हैं, तो ये आपका ए हो गया। अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे सारी वैल्यू को, तो ए की जगह पर हम रखेंगे 4630.50 बराबर पी की जगह पर 4000 1 प्लस R/100 की पावर n, एन 3 तिमाही हो गया है तो ये 3 हो जाएगा। अब एक चीज और, चूंकि अब यहाँ पर हम तिमाही ले रहे हैं तो ब्याज दर भी हमारी तिमाही होनी चाहिए, तो तिमाही होने के लिए हम क्या करेंगे, ब्याज दर को तिमाही करने के लिए हम क्या करते हैं, वार्षिक ब्याज दर में हम, क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती है तो हम उसमें 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको आप लिख लीजिए, यहाँ पर हम लिखना भूल गए, ये 4 गुणे 100 नीचे, क्योंकि 4 से भाग देना है वार्षिक ब्याज दर को, तो 4 से हमने भाग दे दिया। अब देखिए 4630.50 बराबर 4000 1 प्लस R/100, ये हो गया आपका 400 और ये हो गया 3। अब ये इधर आ जाएगा 4630.50/4000 और बराबर ये 1 प्लस R/400 की पावर 3। अब ये दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 जीरो नीचे बढ़ा देंगे, तो ये आपका हो गया 4630.50/400000।
एक जीरो से एक जीरो आपका कट गया, 1 + r/400 की पावर 3, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर हमें हमने हल करना है, तो हमने आपको बताया कि इस तरह के सवाल में घात दी हुई है, यहाँ आधार निकालना है, तो जितनी घात हो आप उसी को अभाज्य गुणनखंड करके उसका निकाल लीजिए, जो कि 3 का 3 घात में ले आना है, तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 4 6 3 0 5। अब ये पहले 5 से कटेगा, 5 9 9 = 45, 5 2 = 10, 5 6 = 30, 5 1 = 5। ठीक है, अब इसको आप 3 से काटिए, 3 3 9 0, 3 8 24, 3 7 21। अब यहाँ पे ये कट सकता था, हमने काटा नहीं, सॉरी बेटा रुक जाइए। अब यहाँ पर पहले आप इसको काट के छोटा कर लीजिए, तब फिर आगे करिए। देखिए, 5 9 45, 1 5 2 10, 5 2 10, 5 6 30, 5 1 5, 5 8 40, 0 0 0, 5 8 40, 0 0 0, तो ये आपका हो गया 9 2 6 1/8000 = 1 + r/400 की पावर 3। अब आप इसका निकालिए, क्योंकि यहाँ पर आता ही नहीं ना, तो इसीलिए 9 2 6 1, इसको आप 3 से करिए, 3 3 9, 0, 3 8 24, 3 7 21, फिर 3 से काटिए, 3 1 3, 0, 3 2 6, 3 9 27, फिर 3 से काटिए, 3 3 9, 3 6 12, 3 3 9। अब ये 7 से कटेगा, 7 6 28, 7 9 63, फिर 7 से कटेगा 7, और फिर ये 7 से कटेगा 1। ठीक, ये अब 3 3 का जोड़ा ये आपका बन गया, क्योंकि घात में 3 लानी है, तो 3 3 का जोड़ा बन गया। अब इसी तरह से 8000 का आप निकालिए, तो 2 से काटेंगे, 4 0 0 0, ये 2 0 0 0, फिर 2 1, ये फिर ये 5 10 0 0, फिर 2 2 4, फिर ये 2 125, फिर 5 25, फिर 5 1 5, 5 1 5, 3 3 का जोड़ा बना दीजिए, ये बना, ये बना और ये बना, यानी कि ये 3 7 21, 21 बटे, और ये 2 2 4 5 20, 20 की घात 3 बराबर 1 + r/400 की पावर 3। अब चूंकि घात बराबर है तो आधार भी बराबर होगी, घात बराबर है अतः आधार भी बराबर होगा, तो घात घात बराबर हो गई, तो आपका ये हो गया 21 बटे 20 बराबर 1 + r/400। इसको इधर ले आइए आप, ये एक सेकेंड, 21 बटे 20 - 1 = r/400, दिस इम्प्लाई इसका एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे 20, इतना आप लोग हल कर लीजिएगा, 400 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो दिस इम्प्लाई 20 r बराबर आपका हो गया 400, तो r बराबर 400/20, ये हो गया 20, तो r बराबर 20%, r बराबर 20%। तो आपसे क्या पूछा था, ब्याज की दर पूछा था, तो वो आपका ब्याज की दर कितनी आ गई, 20%। ठीक है, ये आपका सवाल हल हो गया। तो इस तरह से ये सवाल आपका हल होगा, मुझे लगा कि कठिन है, थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने आपको बता दिया। ठीक, 15वां सवाल बेटा हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, हम थोड़ा सा अब सोच रहे हैं कि आपको
और कोई सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। 11वां सवाल सेम उसी तरह से है आपका, और तो 12वां सवाल देख देख लीजिए। 12वां सवाल भी हम बता दे रहे हैं आपको। कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 88,720 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कोई धन, धन हमको नहीं पता है, यानी P इज इक्वल टू हमें निकालना है। 5% वार्षिक ब्याज दर, यानी R बराबर कितना है, 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, यानी N बराबर कितना है, 2 वर्ष। ये 2 वर्ष में 88,720 हो जाता है, यानी 88,720 आपका क्या है, ये आपका ए है, चक्रवृद्धि मिश्र धन है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन माने पी। अब जो किस में ना छमाही दिया ना तिमाही, तो ये वर्ष में ही लगेगा, तो सिंपल सा है, सूत्र में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100 की पावर एन। 88,720 बराबर पी 1 + R है आपका 5/100, और एन है आपका 2 साल। इसको इसको काट दीजिए, ये आपका 20 हो गया। तो ये 88,720 बराबर पी, और इसका इसमें आप एलसीएम लेके करोगे तो 20 + 21/20 की घात 2। ठीक, अब आप क्या करोगे, ये चीज इधर आ जाएगी, तो ये 88,720 और बटे 21/20 की घात 2 बराबर पी। पी की वैल्यू निकालनी है कि नहीं, तो दिस इम्प्लाई पी इज इक्वल टू 88,720 गुणे, अब ये भिन्न आपकी पलट जाएगी, यानी 20/21 गुणे 20/21 की घात 2 है, तो ये 2 बार हो जाए। ये आप यहीं पर कॉल करके गुणा कर लो और फिर इसको पलट दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो वही चीज हो जाएगी आपकी। तो देखिए, अब इसको काटिए आप, किससे कटेगा ये, किससे कटेगा, 7, 2, 9, 9, 8, 17, 17, 3, 20, 5, 25, 3 से कटेगा नहीं है। इसको काटना है तो P इज इक्वल टू 88,720 गुणे 20 गुणे 20 बटे 21 गुणे 21। अब ऐसा तो नहीं, अब आप 21 से जो है बेटा भाग दे करके देखो कटता है कि नहीं। 21 से 88,720 को भाग दे करके देखो, 4 × 4, 4 × 2 = 8, 4 बार जाएगा, 4 × 4, 4 × 2 = 8, ये हो गया 8 में से 4 गया 4, और 7 उतारा, 21 × 2 = 42, 5 × 2 आपका हुआ 21 × 2 = 42, 10, 0। ये तो कट नहीं रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट में आएगा आपका, इसका साफ साफ मतलब है कि ये पॉइंट में आएगा। तो बेटा आप क्या करोगे कि पहले सबका ऊपर गुणा कर लो, गुणा करने के बाद जो है उसको आप भाग दे लो, तो आपका जो उत्तर है वो आ जाएगा, क्योंकि तो यहाँ पर अभी हमको
समझ में आया बेटा? इसको 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 आप लोग गुणा कर लीजिए, और गुणा करने की ये देखिए ना, इस तरह से होगा, ये 88,720 गुणे बीसम बीसम 400, ये 21 21 करेंगे तो 441। अब इसको आप भाग गुणा करके भाग दे दीजिएगा, तो जो आपका पी होगा और वो आपका निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल होगा। हमने इसको तो इतना आप कर ही लोगे, इसको इसको गुणा करके इससे आप भाग दो लोग दे दोगे तो आसानी से वो चीज आ जाएगी। तो अब हम इसको यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, इसके आगे आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आपका अगला है इसके बाद। वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि एवं घाटे की दर। वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि एवं घाटे की दर। कभी कभी क्या होता है कि देखिए, ये जो सूत्र है, इज इक्वल टू पी 1 + R/100 की पावर एन, ये जो हमने आपको सूत्र बताया है, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए होता है। ठीक है, वो तो लगेगा ही लगेगा। इसके साथ साथ इस सूत्र का प्रयोग जो है, हम जनसंख्या में वृद्धि अथवा ह्रास, या बैक्टीरिया वृद्धि की दर हो तो कुल कितनी वृद्धि हुई उसको ज्ञात करने में, या किसी वस्तु के मूल्य का मान ज्ञात करना यदि मध्यमवर्ती वर्षों में इसके मूल्य में वृद्धि अथवा कमी होती है। इस सूत्र का प्रयोग सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज के लिए नहीं होता है, इस सूत्र का जो प्रयोग होता है वो कहाँ कहाँ होता है। अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब और कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। पहला तो आपका होता है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने में हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रयोग कहाँ करते हैं इस सूत्र का? जनसंख्या में वृद्धि या कमी। अगर कहीं से किसी जगह की जनसंख्या है, वो जनसंख्या निश्चित दर से बढ़ रही है या निश्चित दर से घट रही है, तो वहां पर भी हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, इज इक्वल टू पी 1 + R/100 की पावर एन। या बैक्टीरिया बैक्टीरिया की वृद्धि दर ज्ञात है तो उनकी कुल वृद्धि ज्ञात करना, यानी बैक्टीरिया माने कीटाणु। अगर मान लीजिए कहीं कोई बैक्टीरिया किसी निश्चित दर से बढ़ रहा है, जैसे आपका ब्याज दर है निश्चित होता है 5%, 8%, 10%, जो भी दिया, उसी तरह से बैक्टीरिया भी मान लीजिए किसी दर से बढ़ रहे हैं, 4% की दर से बढ़ रहे हैं। अगर वो दर हमें दी हुई है तो टोटल कितने बैक्टीरिया बढ़ेंगे निश्चित समय में, हम उसको भी निकाल लेते हैं। और एक जगह इसका अनुप्रयोग होता है, किसी वस्तु के मूल्य का मान ज्ञात करना यदि मध्यमवर्ती वर्षों में इनके मूल्य में वृद्धि या कमी होती है। इसका तात्पर्य है, किसी वस्तु का मूल्य तब ज्ञात करना जब बीच के कई सालों में उसका मूल्य बढ़ता भी है या घटता है। तो जैसे कोई वस्तु का दाम है, 3 साल में 1 साल बढ़ा 2 साल घटा, तो उस वस्तु का मूल्य कितना हो गया 3 साल के बाद?
वस्तु है जिसका पहले साल मूल्य बढ़ गया किसी दर से और अगले 2 सालों में घट गया किसी दर से, तो 3 साल बाद उस वस्तु का मूल्य कितना होगा? ये चीजें भी इसी सूत्र से निकाली जाती हैं। अब अंतर क्या है? अंतर ये है कि वृद्धि के लिए हम ये वाला सूत्र, बढ़ने के लिए ये वाला सूत्र लगाते हैं, और घटने के लिए सूत्र यही रहता है, केवल यहाँ प्लस की जगह पर माइनस हो जाता है। अगर धनात्मक वृद्धि हो रही है तो a इज इक्वल टू p, p 1 + r / 100 की पावर n हो जाएगा, और अगर कमी हो रही है तो कमी के लिए हम क्या करेंगे, बस माइनस की प्लस की जगह पर हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि बढ़ने का मतलब प्लस और घटने का मतलब माइनस। ठीक है, तो इस तरह से ये इन इन जगहों पर हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। वृद्धि के लिए आपका ये होगा a इज इक्वल टू p 1 + r / 100, ये वृद्धि के लिए है। वृद्धि के लिए अगर बढ़ रहा है कोई चीज तो उसके लिए ये वाला सूत्र आपका लगेगा, और अगर घट रहा है आपका तो घटने के लिए ये आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा, a इज इक्वल टू p 1 - r / 100 की पावर n। बस इतना हम लोग करते हैं। ठीक है, तो वृद्धि के लिए तो आप लोग सवाल पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, घाटे वाले के लिए आपका घाटा या अवमूल्यन जो है उससे संबंधित सवाल को लगा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपका उदाहरण 10 है, पेज नंबर 271 पर, एग्जाम्पल 10 है 271 पेज पर है। ठीक है, सवाल आप लोग पढ़ लीजिएगा कि स्कूटर के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष का अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन माने घाटा। कोई स्कूटर है उसका मूल्य हर वर्ष 10% घट जाता है, तो यदि स्कूटर का वर्तमान मूल्य 25,000 रुपए है तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कोई स्कूटर का दाम आज 25,000 रुपए है, ठीक है, और हर साल इसका जो दाम है वो 10% घट रहा है, तो 3 साल बाद इसका दाम कितना हो जाएगा? तो वर्तमान जो मूल्य है वो इस समय जो है वो उसका पी हो जाएगा। पी माने 25,000 रुपए है स्कूटर का मूल्य, आज इतना है, 3 साल बाद इसका मूल्य 10% की दर से घट रहा है हर साल, तो 3 साल बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो 3 साल बाद जो उसका दाम निकलेगा वही मिश्र धन होगा। मिश्र धन में क्या होता है, मूलधन धन ब्याज होता है, लेकिन धन तब हम करते हैं जब हमें फायदा लाभ होता है, अगर जब घाटा हो रहा है तो क्या करेंगे, उसे हमें घटाना पड़ता है घाटा। तो यहाँ पर वही चीज है, सब कुछ वही है, बस अगर घाटा है तो आपको सिर्फ माइनस लगा देना है। अब घट किस दर से रहा है, 10%, तो आर बराबर 10% वार्षिक हो गया। एन कितना दिया है, 3 वर्ष, तो आपको क्या निकालना है, 3 वर्ष बाद इसका टोटल मूल्य क्या हो जाएगा, यानी कि ए आपको निकालना है। अब आप कहेंगे मैम ए तो हमेशा ज्यादा होता है, बेटा वो धन के लिए, जहां पर हम किसी चीज को जमा करते हैं वहां पर हमें ब्याज मिलता है तो उसमें हम ब्याज को जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कहा ना कि वस्तुओं का मूल्य निकालने में भी हमें इसका प्रयोग करते हैं, जबकि हमें वृद्धि दर या घाटे की दर दी हुई होती है। आज 25,000 रुपए है, एक अगले साल 10% इसका मूल्य कम हो गया, तो उस जो उसका 1 साल बाद कीमत हुई वो और कम हो गई, अगले साल फिर कम हो गया, तो लास्ट में जो मूल्य आएगा वही उसका मिश्र धन होगा। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। अब सूत्र आपका वही a इज इक्वल टू p, चूंकि अब यहाँ पर अवमूल्यन है 10% का अवमूल्यन, ये ध्यान रखिएगा अवमूल्यन, तो माइनस वाला सूत्र तुरंत लगेगा, 1 - r / 100 की पावर n। वृद्धि होगी तो प्लस वाला, अवमूल्यन होगा या घाटा होगा तो माइनस वाला। अब a हमें निकालना है तो सॉरी पी आपका कितना है, 25,000 रुपया, 1 - r 10 दिया है, 10/100 और समय है 3 वर्ष,
सेम उसी तरह से लगेगा, कोई भी अंतर नहीं है। बस यहाँ वहां प्लस लगता है, यहाँ माइनस लग जाएगा। यहाँ पर इसको गुणा करेंगे, 10 एक कम 10, 10 में से एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9/10^3। 10 एक कम 10, 10 में से एक गया 9, 9/10^3। अब इसको खोल दीजिए, 25,000 गुणे इसको 3 बार लिखिए, 9/10 × 9/10 × 9/10, 1 2 3, 1 2 3 कट गया। अब इन सबका हमें क्या करना है, गुणा कर देना है। तो हमारा गुणा आएगा 18,225 रुपये। सबका गुणा करेंगे तो 18,225, यानी कि 3 साल बाद उस स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा, 18,225 रुपये हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम फिर आपको इससे संबंधित और प्रश्न बताएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाने पर बेटा।